हेलो फ्रेंड, वेलकम टू भारतीस फूड लैब। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस नाकुमट, जो कि एक एडिबल क्ले होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत लोग इस चीज़ को खाते हैं। ये एक तरह का पत्थर ही होता है, एक तरह का क्ले होता है, जिसे कि लोग पीका की वजह से, जो कि एक डिज़ीज़ है जिसमें कि लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी हो जाती है या फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो लोग इस चीज़ को खाने की क्रेविंग रखते हैं। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को एक नॉन एडिबल चीज़ें खाने का मन करता है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं चौक या फिर ये नाकोमट। तो आप लोगों को ये क्लोजली मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और मैं बता दूँ कि ये जो क्ले है, ये है नॉन रोस्टेड क्ले, और ये काइंड ऑफ एकदम सीमेंटिश होता है अगर आप उसको टेस्ट की बात की जाए तो। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पाउडरी भी होता है, बिकॉज एक दूसरे में टकरा के एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाता है, इसलिए आपको एकदम पाउडरी दिख रहा है। और मैं बता दूं कि जो इसका मेन एक्चुअल कलर है वो ग्रे कलर होता है, अगर आपने इसको रोस्ट कर दिया तो वो डार्क या फिर काला कलर हो जाता है। और आपने इसको ज़्यादा ही कुछ कर दिया तो एकदम डार्क दिखेगा, अगर आपने इसको हाफ रोस्ट किया है तो ये थोड़ा सा डार्क और ग्रे कलर का मिक्सचर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पाउडरी है, एंड खाने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप लोग देख सकते हो कि मैं इसको नाखून से इसमें एक लाइन बना सकता हूँ, और पाउडर के फॉर्म में सारी चीज़ें निकल रही है और मेरे हाथों में, मेरे उंगलियों में चिपक जा रही है। अब ये बात कर लेते हैं दूसरे क्ले के बारे में, जो कि वही चीज़ होती है बट इसको थोड़ा सा रोस्ट कर दिया जाता है। तो ये है सेमी रोस्टेड, जिसमें कि सेम वही नाकुमट होता है, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर दिया जाता है। रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में इसको जला दिया जाए, या फिर आप भट्टी में जला दो या फिर वुड के अंदर, मतलब लकड़ियों के अंदर इसको रख के जला दो, तो ये थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देता है, तो लोगों को ये खाने में भी मज़ा आता है। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जो रेडिश दिख रहा है वो किसी और मिट्टी या फिर किसी और पत्थर का है ये, बट बेसिकली जो सेमी रोस्टेड या फिर हाफ रोस्टेड होता है वो ब्लैक और ग्रे का मिक्सचर होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये भी फ़िलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा पाउडरी है, एंड ये भी खाने के मामले में थोड़ा सा सीमेंटिश लगता है, कंबाइंड विथ थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर इसलिए होता है क्योंकि इस चीज़ को रोस्ट किया जाता है, और जो भी चीज़ जल जाती है उस तरह का आपको टेस्ट ये मिलता है। और इस वीडियो का यही इंटेंशन होगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये चीज़ें जो आप लोग ख़रीदते हो, ये मैक्सिमम आपको विद डिलीवरी चार्जेस 130 के ऊपर अगर कोई दे रहा है तो आप लोग मत खरीदो, बिकॉज ये वर्थ नहीं करता है। अगर आप लोग फिर भी क्रेव कर रहे हो, आप लोगों को ट्राई करना इस चीज़ को, तो 130 इज़ द मैक्सिमम प्राइस फॉर 1 kg इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। और मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो रीसेल भी करते हैं, और वो चीज़ों को 200, 300, 400 रुपए किलो के हिसाब से भी देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं लेना चाहिए उनके पास से, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ों को बिज़नेस बना दिया है, और जो ये बीमारी से सफ़र कर रहे हैं लोग उनका ये फ़ायदा उठाते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्ले के बारे में। ये जो चीज़ें हैं, ये है सबसे घटिया वाला मेरे ख्याल से, बिकॉज ये है बटर ग्रे। लोगों को बहुत पसंद भी आता है बटर ग्रे, बट वो रोस्टेड वाला होता है। फिलहाल जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है नॉन रोस्टेड बटर ग्रे, बहुत ही ज़्यादा बटरी होता है। अगर आप लोगों ने कभी बटर पेपर को टच किया होगा तो उस तरह का आपको ये टेक्सचर मिल जाता है। और अगर आप लोग इसको खाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके टीथ में या फिर गम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एकदम चिपक जाता है, और बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप ये वाला चीज़ ना ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर है। ये भी एक नाकुमट का कैटेगरी है। सो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट नाकुमट। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्लास बॉटल में रख दिया है, जो कि इसका जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहता है। और मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, ये सब चीज़ें मैं पर्सनली नहीं खाता हूँ, बस इस चीज़ को रिव्यू करना था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर इन सब चीज़ों को देख रहा था। ये वाला जो है वो है फुल रोस्टेड मतलब इसको डीपली रोस्ट किया गया है। जो फर्स्ट वन मैंने आपको नाकुमट दिखा था उसी चीज़ को रोस्ट किया गया है, इसलिए ये एकदम आपको ब्लैक दिखेगा। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची होता है, तो लोगों को ये पसंद भी आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो योर व्यूज़ एंड थाट्स।